और बेटू से जो पापा बताए इनके वो सारी सीक्रेट बेटू अपने भाई से बोली। मेरे को पछतावा हो रहा है। और फिर इनका भाई मेरा इतना ज्यादा सगा है कि हम उससे बोले कि बेटा तुम ये काम करो, तो बेटा वही करेगा। तो बेटा आके फिर हमको बता रहा है कि मम्मा पता है बैठ के देख है। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल्स, एंड सुबह सुबह टायर्ड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत मेरी होती है इन लोगों को तैयार करने से। हेलो करो, उससे पहले कोई काम नहीं, कभी कभी तो ब्रश भी नहीं। अभी फाइनली ये लोग तैयार हो गए हैं, ये लोग जाएंगे तो मैं घर का काम करूँगी। और मेरे लंच बॉक्स रेडी हो गए हैं, बच्चे नाश्ता कर चुके हैं। नाश्ता में मैंने बनाया था दूध पूड़ी। दूध को बनाना नहीं होता, एक्चुअली गर्म करना होता है, पर पूड़ियाँ बनानी पड़ती हैं। और मेरे यहाँ का तो सीक्रेट ये है कि शाम का बचा हुआ आटा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, दैट्स मीन सुबह सुबह आटा भी सानना पड़ता है। तो अभी मैंने अपने पतिदेव को उठा दिया है, अब मैं बिस्तर वगैरह सही करूँगी। ये देखिए हालत घर की, अब मैं इन सबको सही करूँगी, फिर झाड़ू पोछा, फिर नहाना, और फिर उसके बाद पति देव का लंच बॉक्स यानी कि मैं तैयार करूँगी घर का खाना। अभी सुबह सुबह नाश्ते में मैंने बनाया है पूड़ी, और बनानी थी मुझे सब्जी, बट आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी। फाइनली बन गया है टिफिन, तो अभी चलो मिलते रहते हैं आज आपसे दिन भर। वैसे एक बात बताएं, आप लोग पता नहीं वीडियो देखोगे कि नहीं देखोगे, बट ब्लॉग बनाना बहुत टफ काम है, पूरा दिन मोबाइल लेकर घूमना। एनीवे आप लोगों के लिए कुछ भी, चलिए लेट्स स्टार्ट। जूते का बाहर तक पहनने जाओगे क्या? हैं? स्कूल के बस स्टॉप तक। बाय। और वो तुम्हारा रुमाल वाला वो खत्म हो गया होगा, रुमाल वाला प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो क्या? ठीक है, बाय। अब मैं पीऊंगी पानी। जी हाँ, सुकून का पानी मुझे इतने काम के बाद नसीब होता है। अब मैंने दो चार दिन से शुरू की है कुछ योगा प्रक्रिया, जो कि देखो कब तक पॉसिबल हो पाती है, बट स्टार्ट कर दी है मैंने। तो बोलते हैं लोग करना चाहिए, बट मुझसे ज़्यादा हो नहीं पाता है, तो मैंने ट्राई करने की कोशिश की। उसके बाद अब बन गई है मेरी चाय, जो कि मुझे सुबह सुबह चाय मिलती है मेरे पति देव के हाथ की, जो कि सुकून भरे पल यही होते हैं। उसके बाद मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ गया था, तो मैंने ड्रेस चेंज करके मैं वहाँ चली गई थी। फिर वहाँ आकर मैंने ब्रश किया। मैं नहाने के टाइम ब्रश ज़रूर करती हूँ, वैसे मैं सुबह भी कर लेती हूँ, मगर नहाने के टाइम ज़रूर करती हूँ। फिर मैंने नहाया, नहा के कर ली मैंने पूजा, और अब मैं करूँगी इंतज़ार अपने बच्चों का। टिफ़िन बन गया था मेरा, टिफ़िन बनाने के बाद मैं इंतज़ार कर रही थी। दोपहर में मेरे बच्चे आ गए, तो मैंने खाना ले लिया है। फाइनली मुझे 1:30 बजे 2 बजे खाना नसीब होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज ना, कल मतलब आज रात से कल तक है मेरा बर्थडे, तो ये मेरे चंगू मंगू जो है ना, इनकी थोड़ी थोड़ी देर में पापा से मिल के पता नहीं क्या गुटरगू लगी हुई है। ये लोग आपस में बात करने में लगे हुए हैं। इनके पापा कह रहे बेटू से बात कराओ, बेटू बेटू इधर आओ, बेटू से बात कराओ, बेटू बाहर जाके पापा से बात कर रही हैं, फोन आ रहा है, पता नहीं इन लोगों की क्या प्लानिंग चल रही है, हम जानते हैं सब कुछ है। उसके बाद फिर बेटू आ रही है स्माइल देते हुए, फिर बेटू से पूछो बेटू क्या बात हुई पापा से? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे थे कि आ गई ये वो ट्यूशन से। और बेटू को देखिए जरा, और बेटू से जो पापा बताए इनके वो सारी सीक्रेट बेटू अपने भाई से बोली। मेरे को पछतावा हो रहा है। और फिर इनका भाई मेरा इतना ज्यादा सगा है कि हम उससे बोले कि बेटा तुम ये काम करो, तो बेटा वही करेगा। तो बेटा आके फिर हमको बता रहा है कि मम्मा पता है ये है। फिर हमें वो कैंसिल करना पड़ेगा, अब सबको दोबारा करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मुझे ना अपने इन सब सीक्रेट्स के सीक्रेट जानने के लिए ना, मुझे अपने फोन में परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑन करके रखनी पड़ेगी। ये सब बहुत खतरनाक टाइप के हैं घर में। काना क्या क्या पापा क्या बोले थे, दीदी से क्या बात किए थे पापा? मुझे जितना तो नहीं पता, पर पायल ताने इसको अब डर खाया जा रहा है कि पापा देखेंगे वीडियो, मम्मी प्लीज हटा दो। क्यों ना डाले? कुछ भी हो, कोई भी एक स्पेशल डे हो, बट घर के काम तो आपको करने ही करने हैं। जी हाँ, मुझे मेरे घर के कामों से कभी फुर्सत नहीं मिलती।
तो अभी मैं रात के डिनर के बर्तन धुल रही हूँ। डिनर अभी मुझे खाने का मन नहीं था, बच्चे पहले खा चुके थे और ये अभी खा रहे हैं भागवत देखते देखते। इनको कुमार विश्वास की राम कथा बहुत पसंद आती है। मैंने दूध चढ़ा दिया है, गैस साफ़ कर ली है मैंने। गैस बिना साफ़ किए कभी भी नहीं सोना चाहिए, गैस हमेशा साफ़ कर देनी चाहिए। फाइनली आ गया वो पल। लेकर आए थे ये लोग केक, जो कि हमेशा ही आता है रात के 12 बजे केक कटिंग होता है। ये मुझे फूल मिले थे तो मैंने सोचा चलो इनको मैं अपने बालों में सजा लूँ, इधर उधर कहाँ रखें। उसके बाद फिर केक कटिंग हो गई। केक कटिंग के लिए ये लोग कैंडल वगैरह लगा रहे थे, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बच्चों के उसमें खुश हो जाते हैं। वैसे जब आप एक स्टेज पर पहुँच जाते हैं तो शायद इन सब चीज़ों का उतना मन नहीं होता है, बट कभी कभी होता है ना कि हाँ चलो सबकी खुशी के लिए। बट मैं बहुत ही ज़्यादा वरिड थी कि मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं मिला। यार यही तो एक दो दिन होते हैं जिनमें वास्तव में गिफ्ट की ज़रूरत होती है। कितना भी कोई समझदार हो, कितना भी कोई सब कुछ मैनेज करने वाला हो, पर इच्छाएं तो उसकी भी होती है ना। मेरी भी इच्छा थी कि मुझे कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिले जो मुझे पसंद आए। देखो अभी तो आज रात है, कल क्या होता है। उसके बाद मैंने केक कटिंग की, बच्चों के साथ केक खाया तो एक्चुअली नहीं था, पता नहीं क्यों मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, लेकिन हाँ बच्चों को खिलाया केक इंजॉय किया। इन लोगों ने मेरे फेस पे ऐसा बुरी तरीके से केक लगा दिया था कि पूछो मत, पर अच्छा लगा, सही था। यही होती है मेरी डेली की दिनचर्या, रोज़ के काम, ये सब काम तो करने ही होते हैं। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ।